नमस्कार दोस्तों, इस पार्ट में हम ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन निम्नलिखित विषयों के बारे में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशन, नोमिकेशंस, लुब्रिकेशन, शिफ्ट पैटर्न्स एंड सब असेंबली। ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिक्रोमैक्स ट्रांसमिशन है जो 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क निर्माण करते वाले इंजन वाहनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसमिशन में 6 अगले गियर्स में 1 रिवर्स गियर होती है। मेन शाफ्ट का रिवर्स गियर छोड़कर सभी गियर सिंक्रोमैक्स हैं। गियर्स मैनुअली डाले जाते हैं। ES9306A वेट वजन 175 kg PTO के साथ, परंतु तेल लाई लंबाई 730 mm, तेल की मात्रा 9.5 लीटर PTO के साथ, तेल के ग्रेड SE80W90, इनपुट टॉर्क की क्षमता 900 न्यूटन मीटर, गियर रेशियो। तेल निकालने और भरने से पहले मेंटेनेंस इंजीनियर को सही ट्रांसमिशन मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन नंबर की पहचान करनी चाहिए। मेन क्रेस पर दाईं तरफ पहचाने प्लेट लगी हैं, आप देख सकते हैं। मॉडल, सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन नंबर। मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन नंबर ट्रांसमिशन से संबंधित मूलभूत जानकारी देते हैं। सर्विस या पार्ट्स के विषय में सहायता के लिए यह नंबर अवश्य बताएं। ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन नंबर हर और EMI ग्राहक के एकमात्र है। पार्ट्स या सर्विस डायमेंशन ऑर्डर करते समय मॉडल नंबर के साथ स्पेसिफिकेशन नंबर अवश्य बताएँ। आइए अब हम तेल निकालने और भरने की पद्धति समझें। तेल निकालने से पहले सुनिश्चित करें तेल थोड़ा गर्म और वाहन समतल जमीन पर है। तेल निकालने से पहले ड्रेन प्लग को साफ करें। मेन केस के नीचे दाईं तरफ ड्रेन को प्लग निकालें। इसमें 18 न्यूटन से लेकर 19 के स्पेसिफिकेशन तेल सतह जांचने या तेल भरने से पहले प्लग चाहिए और जांचिए और जरूर देखिए। वाहन समतल जमीन पर हो, तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो, फिलर प्लग के होल तक तेल की सतह हो, तेल केवल फिलर ओपनिंग तक भरे, ज़्यादा ना भरे, इससे तेल अगले और पिछले सीलों के बाहर फेंका जाएगा। अलग अलग तेल मिक्स न करें। ट्रांसमिशन का तापमान अधिक समय तक 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न हो, इसमें तेल और ट्रांसमिशन की आयु कम होती है। ऑपरेटिंग तापमान अधिक होने के कारण है। 32 किलोमीटर हावर की कम गति के ट्रांसमिशन का अधिकतर समय चलना, इंजन की अधिक तेज गति, ज़्यादा भारी तापमान, ट्रांसमिशन के इर्द गिर्द हवा का कम बहाव, एक्साइटेड ट्रांसमिशन अत्यधिक पास, लंबे अवधि के लिए हायर पावर PTO ऑपरेशन। ये ट्रांसमिशन में 6 अगले गियर्स और 1 रिवर्स गियर। गियर शिफ्ट पैटर्न इस प्रकार है, न्यूटन गेट तीसरे चौथे में, पहले दूसरे या पांचवें छठे गेट जाने के लिए गियर शिफ्ट लीवर को अंशु दिशा के दबाना आवश्यक है। कंट्रोल हाउसिंग में लगे स्पेंसों के कारण यह ताकत लगानी पड़ती है। हल्की सी ताकत गियर शिफ्ट लीवर के गेट में जाने के बाद गे को इंगेज करने के लिए आगे या पिछले हथेली को धकेला जाता है। गियर से निकालने पर लीवर अपने पास तीसरे चौथे गेट पर आती है। रिवर्स गियर के गेट में लीवर लगाने के लिए भी इसी प्रकार, परंतु थोड़ी अधिक ताकत करनी पड़ती है। गियर शिफ्टिंग लीवर को खुली हथेली से बगैर ज़्यादा ताकत लगाए गियर डालें। गियर डालते समय न्यूटन के बाद गियर लीवर पर हल्का दबाव हथेली से बनाए रखें और गियर इंगेज करने के साथ लीवर को छोड़ें। गियर से निकालने के लिए गियर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया साधारण ताकत लगाते हैं हुई तेज़ी से होनी चाहिए। इसमें गियर शिफ्ट
करने से कम ताकत की आवश्यकता होगी। तेल ठंडा रहने से इस प्रक्रिया का विशेष महत्व है। गति का प्रभाव। इस पार्ट में हम गति के प्रभाव सीखेंगे। ट्रांसमिशन इंजन से गति व ताकत पिछले पहियों तक ले जाता है। ट्रांसमिशन में गति का प्रभाव सही समझने से ट्रेबल शूटिंग और रिपेयर होता है। हम हर गियर के गति का प्रभाव समझेंगे। गति इंजन में क्लच विद्यार इनपुट शाफ्ट की हो जाती है। यह शाफ्ट हमेशा काउंटर शाफ्ट के बड़े गियर से मेष होता है। पहला गियर आपको इसमें दिखाया गया है। दूसरा गियर, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पाए। तीसरा गियर, शिफ्टिंग प्रक्रिया। चौथा गियर, पांचवा गियर, ओवरड्राइव। छठा गियर,